इकरारुल हसन ने अस्पताल से अपने चाहने वालों के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर की करप्शन पर नकाब करने पर डायरेक्टर IBP आपे से बाहर हो गए और मुबैना तौर पर एंकर पर्सन इकरारुल हसन और टीम को बेईमानत तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी की अस्पताल में ज़ेरे इलाज होने की वीडियोज़ ने इंटरनेट पर तूफान बरपा कर दिया था। अब इकरारुल हसन का नहायत अहम बयान सामने आ गया है। तफ़सीलात के मुताबिक इकरारुल हसन पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर्स अभी तजवीज़ दे रहे हैं कि मैं अस्पताल में ही रुकूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर जाना चाहिए। मेरा एक कंधा अपनी जगह से हिला हुआ है जबकि एक पसली भी टूटी हुई है जिसकी रिपोर्ट अभी आई है। दिल पर करंट लगने की वजह से दिल की ICG की रिपोर्ट भी नॉर्मल नहीं है। तशद्दुद के बाइस जख्मी होने वाले इकरारुल हसन को बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां इनके सर में कई टांके लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हदायत पर डायरेक्टर IB रिजवान शाह समेत 5 IB अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है।